ओके तो ईमान बच्चे मुझे बताएगा कि स्क्रीन विजिबल है आपको? सही। यस मैम। तो अभी हम ना आपका ही ये पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ PBCL2 एंड SO3 ऑन द बेसिस ऑफ द वेस्पर थ्योरी। आपने देखिए व्हाट इज अ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज्योमेट्रीज ऑफ PBCl2 एंड SO3 जाहिर सी बात है ड्रॉ करनी पड़ेंगी इसमें, राइट? यस मैम। बाकी आप मुझे बताएं आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। मैम इसमें पहले मैं एक पहले इसकी जो डायग्राम है जो स्ट्रक्चर है वो बताऊंगी, फिर मैम इसके बाद मैं इसके सेंट्रल एटम बताऊंगी कि इसमें जो सेंट्रल एटम है वो पी बी है, फिर मैम इसका बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग पेयर है वो भी मैं बताऊंगी, जो क्लोरीन Cl है और दो इसके बॉन्डिंग पेयर है। और मैम इसमें जो लॉन पेयर है वो हमें नहीं है, मतलब इसमें लॉन पेयर नहीं है तो वो जीरो लिखा है, और मैम जो उसकी ज्योमेट्री जो उसकी स्ट्रक्चर बन गया वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो सही। एक मिनट हमारा, अच्छा अब हम आपके आंसर की तरफ पहले देख लेते हैं और मैं साथ साथ आपको आपकी मिस्टेक्स बताती जाती हूँ, ठीक है? PBCl2 वाला मॉलिक्यूल था, आपने सबसे पहले क्या करना था, आपने फ्लो चार्ट निकालना, सॉरी अपना पीरियोडिक टेबल निकालना था और लेड की पीबी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लिखने थे। क्लियर? देखिए ईमान में स्टार्टिंग से आपको समझाती हूँ। देखिए एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ PBCl2 एंड SO3 ऑन द बेसिस ऑफ द वेस्पर थ्योरी। व्हाट इज द मेन पार्ट इन द क्वेश्चन, इट इज एक्सप्लेन, सो इट विल कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा लॉन्ग में आते हैं। अब क्या है कि ये लॉन्ग मार्क क्वेश्चन है तो इसका मतलब 8 या फिर कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, राइट? ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब देखिए उन्होंने कहा है एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ PBCl2 एंड SO3। यहाँ पे जो आपने आंसर लिखा है आपने सिंपली क्या किया है, आपने सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का बता के सिंपली ज्योमेट्री लिख दी है। हैव यू एक्सप्लेन्ड कि ये ज्योमेट्री क्यों आई है? मैम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर तो ऐसे बना हुआ है लेकिन वो स्ट्रक्चर किस वजह से आया है, कैसे आया है, ये एक्सप्लेन नहीं किया ना आपने। यस मैम। यहाँ पे आपने वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में आपने बताना होता है कि PBCl2 का अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो वो लीनियर क्यों है, SO3 का अगर ट्राइगोनल प्लेनर है या ट्राइंगुलर प्लेनर है तो वो ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर की ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। Am I clear with that? Yes, ma'am. देखो आपने सबसे पहले मैम फिर इसका आंसर कैसे लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे फिर एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेड का आपको साथ में पीरियोडिक टेबल पेपर में दिया जाता है, ठीक है? नहीं भी दिया जाता तो आपको फर्स्ट 3 पीरियड्स के अलावा मोस्टली जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर साथ में पेपर पे मेंशन कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना था, लेड का एटॉमिक नंबर निकाला था और उससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 इस तरह वगैरह लिखनी थी, ठीक है? फिर आपने लिखना था कि दैट इसका ये जो लेड है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? फिर क्या होता, फिर जो है वो आप करते कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर हो जाएंगे, क्लोरीन के साथ, 2 क्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे और लेड जो है वो 2 क्लोरीन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा और इसका कोई भी वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसके पास, राइट? यस मैम। ठीक है, यूं आप इंग्लिश में एक एक्सप्लेनेशन दे के ना 4-5 लाइनों की, उसके बाद आप ये लिखते और लिखने के बाद देखो जब आपने यहाँ तक आपने सारे सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताया और यहाँ पे ज्योमेट्री बताई, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है,
क्लियर, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने बॉन्ड एंगल भी बताना है। अच्छा, इसी तरह जो सल्फर, सल्फर की भी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि इसके वैलेंस शेल में अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो कैसे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। ईमान, ये मैंने अपने लेक्चर में बार बार ये समझाया कि सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन, ठीक है, सो इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स विद ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। बट आप ब्रैकिंग में लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एवरी मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, इट एक्ट्स एज अ सिंगल बॉन्ड, है ना, ये हमने पढ़ा है ना वेस्पर थ्योरी में। यस मैम, ठीक है, तो आप वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे और फिर जो है वो आप बताओगे कि दैट यहाँ पर जो है वो इस तरह की ज्योमेट्री। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ना आप ये चीजें लिखोगे सारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप इंग्लिश में लिखोगे कि दैट इतने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनमें से इतने बॉन्ड बना लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि लेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद ये चीजें आप लिखोगे, ये चीजें लिखने के बाद, ज्योमेट्री लिखने के बाद, ज्योमेट्री ड्रॉ करने के बाद आप बॉन्ड एंगल की तरफ आओगे, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपने ड्रॉ किया और उसके भी आप एक्सप्लेन करोगे कि दैट ये जो क्लोरीन है ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे इस वजह से है बिकॉज बॉन्ड पेयर ऑफ, यहाँ पर क्या हो सकती है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके खड़े हो गए और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बनता था, 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट सेल्सियस, 180 डिग्री, ठीक है। इस वजह से आपने अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये ज्योमेट्री बन दिया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि जो सल्फर है वो क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2-2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है विद ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यस मैम, ईमान समझ आ रही है? यस मैम, ठीक है, एक एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2-2 वो बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, लेकिन हर डबल बॉन्ड क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड के तौर पे एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है। यस मैम, ये पोस्टुलेट आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद ये सब चीजें लिखने के बाद अगेन हम किसकी तरफ आएंगे, बॉन्ड, इसके बॉन्ड एंगल की तरफ, और आप एक्सप्लेन करोगे बॉन्ड एंगल को कैसे, बॉन्ड एंगल लिखने के बाद नीचे आप इंग्लिश में कुछ लाइनें लिखोगे कि यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस 120 डिग्री का था स्टेबिलिटी के लिए, है ना। Yes, ma'am. इस वजह से ये ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। ईमान, आई क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. सारी चीज समझ आ गई है ना? Yes, ma'am. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, ma'am. देखो एक बात हमेशा याद रखना, डिसहार्ट नहीं होना, जो आपको गलतियां पता चल रही हैं आप शुक्र करो कि आपको फाइनल पेपर से पहले पता चल रही है ताकि आप प्रैक्टिस करके उसको सही कर सको। ओके, यस मैम, ओके, यूज द वेस्पर थ्योरी टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्या होगा, देखो एक्सप्लेन करने वाले भी ये है कि यहाँ पर वेस्पर थ्योरी को यूज करके आपने प्रेडिक्ट करना है स्ट्रक्चर, यानी आपने क्या करना है, वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स यूज करके एक्सप्लेन कर देना है चीजों को, BeF2 का जो अगर लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है और 180 डिग्री की का बॉन्ड एंगल आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो मैम, जो मैंने ये क्वेश्चंस निकाले ना मॉडल पेपर में से, तो मैम ये सारे शॉर्ट में लिखे गए थे, लॉन्ग में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी एक्सप्लेन करते हैं, मांगते हैं ना, तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। हम यूं प्लेन इस इक्वेशंस की तरह नहीं मूव कर सकते, हमें रिटर्न में काम देना पड़ेगा।
अच्छा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? डी यस मैम ई एफ टू। यस ईमान, आप बॉन्ड एंगल मेंशन नहीं कर रहे हो कहीं पे भी। नाउ डू आई हैव टू रोटेट? इज इट बी एच थ्री या बी ई एच थ्री? बी ई एफ टू है। बी एफ टू है और बी एच थ्री है। ठीक है, बोरॉन हाइड्रो अगेन। अच्छा एक गलती आप मुझे ईमान खुद अपनी बताओ, इन सब में एक गलती क्या है? मैंने बॉन्ड एंगल नहीं लिखा है। उसके अलावा आपने किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी और ना ही ये बताया है कि क्या दिस इज। देखो अब इमान मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, बी एच थ्री वाली हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके देखो बी एच थ्री बी इज बोरॉन, बोरॉन का मुझे एटॉमिक नंबर बताओ। बोरॉन इज फाइव, तो आप मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते जाओ। ठीक है वैलेंस शेल कौन सा बन रहा है? ये तो अब आप लिखोगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज, ठीक है उसके आगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? टू प्लस वन मैन, दीज आर टू एंड दिस इज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये कितने हो गए? टू प्लस वन थ्री। ठीक है फिर आप आगे लिखोगे कि इट मीन्स दैट बोरॉन कैन फॉर्म थ्री बॉन्ड्स एंड एज शोन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोरॉन फॉर्म्स थ्री बॉन्ड विद थ्री डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, राइट? यस मैम। तो मैम मैम ये जो थ्री है ये लॉन पेयर होंगे ना? ये लॉन पेयर नहीं है बच्चे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? दो, और आउटर में तीन आ गए। ये इनमें से एक ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, दूसरे ने दूसरे के साथ, और तीसरे ने तीसरे के साथ, यूं बी एच थ्री बन गया। समझ आई? यस मैम। अच्छा मैं आपको बता दी कि दैट बोरॉन विल फॉर्म थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? यस मैम। फिर अब आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने लिखना है यही सारा कुछ, दैट सेंट्रल एटम इज बोरॉन, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू थ्री, बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन मत लिखो, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू थ्री, लॉन पेयर क्या है? जीरो। जीरो ठीक है। फिर आप क्या करोगे? ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, प्लेनर, प्लेनर भी आगे लगता है इस नाम के साथ। ओके मैम। ठीक है फिर अगेन बॉन्ड एंगल आप ड्रॉ करोगे और साथ में मेंशन करोगे कि ये बॉन्ड एंगल जो है वो क्यों है, ताकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, और ये बॉन्ड सबसे और ये मॉलिक्यूल क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल हो। स्टेबल
समझ आई? सीसीएल फोर कैसे लिखना है ये भी समझ आ गई? यस मैम। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में लिखनी पड़ेगी फिर। यस मैम, जब फिर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे, जब आपने स्टार्टिंग में मेरा टेस्ट लिया था, तो उसमें तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं लिखने को कहा था। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको जो करवाया था वो मैंने आपको उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं समझाया था। उस वक्त मैंने आपको समझाया ही था कि डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, AB2, AB3, AB वगैरह, समझ आ रही है? वो आपको वो वाले मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए था। आपने देखा था ना, उसमें मैंने कोई भी ऐसा नहीं दिया जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। यस मैम। एग्जैक्टली। H2S, SnCl2 and PCl3। मैम जब आप ये करते हो ना, PDF बनाते हो, तो आप ये पेजेस की ओरिएंटेशन जरूर देख लिया करो। अब यहाँ देखो आपने सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया। ओके नाउ सल्फर हैज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 राइट? नाउ टेल मी, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो ये 6 के बजाय 8 कैसे हो गए सल्फर के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स? केमिस्ट्री में छू मंतर वाली सिचुएशन नहीं होती है मार। ओके सो वी हैव सल्फर, बॉन्ड पेयर 2 है, ये हाइड्रोजन नहीं मेंशन करना, पेयर का मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाइड्रोजन, तो वो नहीं होगा, ठीक है? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। लोन पेयर शुड नॉट बी 6। देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनमें से दो ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 1 और 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4। यस मैम। लेकिन अगर मैं 4 का पेयर करूं तो पेयर शुड बी इक्वल टू 2। दो पेयर है ना? यस मैम। एक, यस मैम, दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो ये 6 आंसर नहीं आता, इसके बजाय क्या आंसर आता है? 2। अब मुझे बताओ ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल बनता है? ए बी, बी क्या है? 2 और ई 2 राइट? यस मैम। ये वाला मॉलिक्यूल बनता है। यस मैम। और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा सल्फर का? बेंट और वी शेप ही बनेगा, मगर क्या होगा? यस मैम। के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। यस मैम। और यहाँ यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर? यस मैम। PCl3। इवन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? फॉस्फोरस इज 15। इसका यस मैम, तो मैं इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल? 5, जिनमें से 3 ने बॉन्ड बना लिया राइट? यस मैम। है ना, एक एक क्लोरीन के साथ। तो बचे कितने? 2
वो लॉन पेयर बन जाएंगी। तो वो लॉन पेयर कितना होगा, एक या दो? टू पेयर एक होगा ईमान। तो मैम मुझे लिखता ईमान, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक पेयर बनाएंगे ना, है। ओके समझ आई? यस मैम। उसका मतलब आज आप बैठ के सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर रहे हो। ओके मैम। PCl3 का क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस यहाँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाली ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री थी ईमान? टेट्रा हाइड्रल टेट्रा दिस इज ए बी थ्री ई, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। NH3 से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है? यस मैम। ये वो वाली ज्योमेट्री है। मैम फिर जो इसका एंगल बनाएंगे वो इसके लॉन पेयर से लेंगे, लॉन पेयर से लेके आगे वो जो बॉन्ड पेयर है उस तक ले जाएंगे एंगल। इनको आप एंगल का कंसिडर करोगे। ओके मैम। समझ आ गई? यस मैम। ओके, देन PH3 की तरफ आ जाएंगे तो अगेन फास्फोरस के दो इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हैं ना, यस मैम। तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी ही होगी ना, बस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, यस मैम। तो बेहतर यह यस है मैम। ईमान के सेंट्रल एटम के आगे आप ए लिख दो, बॉन्ड पेयर के आगे बी लिख दो, इज इक्वल टू लोन पेयर के आगे ई लिख दो। और ज्योमेट्री लिखने से ओके पहले आप क्या करो, टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आप वो लिख देना ए बी। जैसे यहाँ पे क्या बनता है, ए अच्छा बी टू, हम्म, ए बी टू और ई। यहाँ पे सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर आने चाहिए थे, क्योंकि सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिक्स है ना, ऑटोमोस शेल में दो यूज हो गए हाइड्रोजन के यस साथ, कितने बचे, चार। यस मैम। दो तो ए लोन बी पेयर टू फिर कितने बने, ई Ab2 टू टू E2। और टू ये वाली ज्योमेट्री कौन सी थी, ये बेंट ज्योमेट्री थी या ट्रायंगुलर ज्योमेट्री थी, तो यहाँ पे सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 ऑन द बेसिस ऑफ द वेस्पर्टिन। SO3 वाला स्ट्रक्चर तो मैंने कर लिया था ना, एक्सप्लेन कर दिया था, यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द SO3 मॉलिक्यूल, लेकिन आपने कोई डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किया। वो मैम उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करना, डबल बॉन्ड का समझ नहीं आ रही थी। यस पिछली वीडियोस देखी है, मैम। मैम उसमें तो वो डबल बॉन्ड था लेकिन इसमें वो नहीं, वो समझ आ रहा है कि इधर मैं डबल बॉन्ड बनाऊं कि वैसे वो एक्सप्लेन करूं कि डबल बॉन्ड इसमें बनता है नहीं बनता है। नहीं आप डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे, बिकॉज देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्डिंग ही कर रहा है हर जगह इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वो डबल यस बॉन्ड ड्रॉ मैम। करोगे और फिर आप एक्सप्लेन भी करोगे कि बिहेवियर ऑफ डबल बॉन्ड, बिहेवियर ऑफ डबल बॉन्ड क्या था, वेस्पर थ्योरी में कहा था ना कि डबल बॉन्ड एक्ट्स एज ए सिंगल बॉन्ड, यस मैम। राइट? तो वो वाला बिहेवियर आप एक्सप्लेन करोगे कि यस अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड एक्ट एज अ सिंगल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से जो उसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। यस मैम। चाहिए BCl2 का स्ट्रक्चर। लेकिन अगेन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
कौन सा क्वेश्चन रह गया? एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं वो नहीं किया, ये इतनी समझ आ रही थी। चलो देख लेते हैं। Why do the lone pairs of an electron on an atom occupy more space than the bond pair? Explain with the example of ammonia. ये तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था जब मैंने पोस्टुलेट समझाया था। ईमान ही आपका टेस्ट है। पोस्टुलेट्स वाली वीडियो अभी देखो, बल्कि वेस्पर थ्योरी वाली वीडियो अभी देखो। मैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, ठीक है? वेस्पर थ्योरी वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, उस सबको एक दफा बहुत डिटेल में देखो। ओके मैम। ओके इमान, अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दैट हम लोग एक्सप्लेन करें कि कैसे वेस्पर थ्योरी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, राइट? सॉरी, वेस्पर थ्योरी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट? ये क्वेश्चन था। यस मैम। देखो, इनने पहली लाइन में ही इसका आंसर दे दिया कि द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर प्रेडिक्टेड बाय वेस्पर थ्योरी। यस मैम। क्लियर? फिर आप यहां से लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द शेयर्ड पेयर एज वेल एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और द आयन। बस, ठीक है? फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दैट जिलेस्पी एंड नेलहम, उनने प्रपोज किया था कि दैट जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स होती हैं इन अ मॉलिक्यूल वो मेनली डिटरमाइन होती हैं बाय द रिपल्सिव इंट्रैक्शन। तो सिंपली यहां से लेकर यहां तक उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। समझ आया? यस मैम। शॉर्ट में आएगा तो आप इतना लिखोगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो आप पोस्टुलेट्स भी लिखोगे। ओके मैम। और किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके ना, किसी भी मॉलिक्यूल की जो उस वक्त आपके जहन में आए लेकिन सही एग्जांपल हो वो लेके उसका वो इसी तरह जिस तरह आपने ने सारे ये जिस तरह आपने मॉलिक्यूल्स वगैरह ड्रॉ करके इनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, वैसे ड्रॉ करके आपने लिखना है। लेकिन अब ईमान, ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि सेंट्रल एटम के पीछे हमेशा ए लिखना है, या सेंट्रल एटम इज इक्वल टू ए, फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कभी भी आपने वो मेंशन नहीं करना कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू 3, एंड लॉन पेयर इज इक्वल टू ई, दैट शुड बी इक्वल टू 0 और 1 जो भी होगा। एंड देन फिर आपने लिखना है टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, वो फिर आ जाएगा ए बी टू ई टू और इस तरह का। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन समझ आ गया अब? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके चलो, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो अच्छे तरीके से करो और मुझे बताओ। ओके मैम। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।